सर्दी का सितम, 19 स्थानों पर अब पारा 10 डिग्री के नीचे है। माउंट आबू में दूसरे दिन में पारा 1 पर टिका है। माउंट आबू में समय से पहले बर्फ जमी है। अगले सप्ताह से कड़ाके की ठंड पड़ेगी, लगातार आसार बने हुए हैं। और ये आज नहीं, चलिए अब इसी पर हमें अधिक जानकारी देंगे। 3 अलग अलग जिलों से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कमलेश जुड़े हैं माउंट आबू से, सीकर से रमेश जुड़े हैं, तो वहीं जयपुर से हमारे साथ दिनेश तिवारी जुड़े हैं। सबसे पहले कमलेश, आपका रुख करना चाहेंगे। माउंट आबू की तस्वीरें लगातार चौंकाने वाली, उत्साहित करने वाली, ठंड लगातार पड़ रही है, 1 डिग्री का तापमान वहां बना हुआ है। क्या तस्वीरें आज खास आप साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? देखिए शिखा, जो माउंट आबू के मौसम का मिजाज है जो पल पल बदलता है, और आज भी यहां पर मौसम का मिजाज कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां तापमान की बात करें, जो शहर का जो न्यूनतम तापमान है तकरीबन 1 डिग्री के आसपास यहां पर पहुंच गया है। जहां पिछले दिनों माउंट आबू की वादियों में बर्फ जमी थी, तो आज कुछ नजारा अलग नजर आ रहा है। क्योंकि माउंट आबू के आसमान में कल जहां बादल थे, तो बादलों की वजह से सर्दी में हल्की सी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे ही बादल छटे तो माउंट आबू की वादियों में कड़ाके की सर्दी का एहसास फिर से होने लगा है। वहीं आने वाले दिनों में शिखा बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार कहा जा सकता है कि आने वाला जो सप्ताह है माउंट आबू के लिए कहीं ना कहीं कड़ाके की सर्दी को लाने वाला है, और आने वाले दिनों में माउंट आबू कहीं ना कहीं बर्फ स्थान बनता हुआ नजर आएगा। वहीं पर्यटकों के रुझान की बात करें तो शिखा, पर्यटकों का रुझान माउंट आबू के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है, और पर्यटक माउंट आबू का रुख करते हैं। ऐसे में इन दिनों जहां शादियों का सीजन चल रहा है, तो शादियों में डेस्टिनेशन वेडिंग को खास महत्व दिया जा रहा है इस समय के, तो यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए भी जो लोग हैं वो आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं शिखा कि माउंट आबू में है जो सर्दी का जो असर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कमलेश, नजारा जो है माउंट आबू में शिमला सा बना है, और पर्यटक इसका बखूबी लुफ्त उठा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ सीकर से रमेश भी जुड़े हैं। रमेश, देखिए सीकर में सबसे पहले आपसे बात जानना चाहेंगे। शेखावाटी में ठंड कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन हवा में किस तरह की नमी है वहां? बिल्कुल शिखा, बताना चाहूंगा कि तापक्रम में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। तापक्रम 4 डिग्री से 5 डिग्री शेखावटी में अभी चल रहा है, लेकिन यहाँ शीत लहर है वो जारी है। हवा में नमी उतनी ही बरकरार है, यानी तापक्रम में 1 डिग्री की बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन शीत लहर जारी है। सर्दी का वैसे ही एहसास है जैसे दिसंबर के 1 तारीख को हुआ था, और दिसंबर के इस सप्ताह में अब सर्दी का एहसास और ज्यादा होने लगा है, और आगामी अगले सप्ताह में कहीं कहीं तापक्रम जो शेखावटी का है वो 0 जाएगा। हालांकि प्रदेश में तापक्रम है उसमें उछाल आया है, लेकिन शेखावटी में अभी शीत लहर बरकरार है। शेखावटी में किसी तरीके की कोई तापक्रम में कमी महसूस नहीं की गई है, और यहां अभी भी लोग अलाव जला करके और सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं। सीखा बिल्कुल रमेश, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दिनेश भी जयपुर से जुड़े हुए हैं। दिनेश, देखिए गुलाबी सर्दी से गलाने वाली सर्दी की तस्वीरें आपने हमारे साथ साझा करी। फिलहाल जयपुर की तस्वीरें क्या करी है, कोहरे की स्थिति यहां है, किस तरह से लोग लुफ्त उठा रहे हैं इस सर्दी का? जी शिखा, देखिए बिल्कुल गुलाबी सर्दी की हम बात कर रहे थे, लेकिन सर्दी के जो तेवर हैं वो बदलते जा रहे हैं। गुलाबी सर्दी से तीखी सर्दी की ओर अब रुख हो रहा है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो आज 1% तापमान में गिरावट हुई है। कोहरा राजधानी में अल सुबह रोज देखा जा सकता है। हम दिखा सकते हैं फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को कि आज भी राजधानी जयपुर में कोहरा नजर आ रहा है। तो ऐसे में सर्दी के तेवर कहीं ना कहीं बदलते जा रहे हैं, और इसका असर जो है पूरी दिनचर्या पर, लोगों के जनजीवन पर पड़ रही है। ऐसा कह सकते हैं शिखा कि आलसू का जो ठंडी हवाएं चलती है उसका ये पूरी तरह असर है, और ये असर जो ठंडी हवाओं का असर है ये दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। अगर 2 से 4 दिन बाद की बात की जाए तो इसके तापमान में और गिरावट नजर आएगी और सर्दी बढ़ेगी। जैसे हमारे सहयोगी रमेश बता रहे थे कि सीकर में 1 तापमान में बढ़ोतरी हुई है, तो वही राजधानी के 1% तापमान में गिरावट हुई है। जो कल परसों तक तापमान 11 से ऊपर था वो घटकर आज 10 के आसपास आ गया है। तो ऐसे में शिखा कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट होती जा रही है, और सर्दी के साथ गलन भी बढ़ती जा रही है। तो खासकर जो लोगों को अब जो है सर्दी का एहसास पूरी तरह होने लगा है, कप कपी अल सुबह लगने लगी है, और इस वजह से दिनचर्या अस्त व्यस्त होने लगी है। जो अल सुबह लोग बिल्कुल वीकेंड पर सर्दी का वार, लेकिन लोग हो रहे हैं बेहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा।